क्या ऋषभ, बहुत ज्यादा थक गए हो गाड़ी चलाते चलाते। दोनों लड़कियां अपनी पोज देते हुए, क्या है उस घर में पता करते हैं, कुछ एडवेंचर सा अलग सा तो नहीं, कहीं कुछ डेंजरस चीज तो नहीं। कितना मनमोहक व्यू है। हेलो गाइस, तो राजगीर में नाइट स्टे और कैंपिंग करने के बाद हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े ककोलत की ओर, मतलब ककोलत वाटरफॉल की ओर। तो हम लोग का प्लान हुआ कि वहीं जाने का। तो इससे पहले हम लोगों ने मतलब राजगीर में, आप लोग देखा होगा कि हम लोग नाइट स्टे और कैंपिंग किया था, तो उसका ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बहुत मज़ा आया था हम लोगों को कैंपिंग करने में। तो आज हम लोग पूरा प्लान बनाया है कि ककोलत घूमने के लिए, तो वहीं पर हम लोग पिकनिक मना रहे हैं और मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आप लोग भी जरूर इस ब्लॉग को देखिए, पूरा एंटरटेनमेंट भरा हुआ ब्लॉग है, तो आप लोग जरूर पसंद आएगा ब्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ककोलत, मतलब जो नवादा में है, मतलब वहाँ बहुत अच्छा वाटरफॉल बना हुआ है, हम लोग घूमने जा रहे हैं, वहीं पर नया कैंपिंग करेंगे आज के। तो आप लोग देख लो, हमारे साथ हैं इधर शिवानी जी, हेलो, इधर वर्षा, उधर सुशांत, इधर मन्नू जी, हेलो, इधर हेलो हेलो। तो एक और नया फन और नया रोमांच के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ ब्लॉग में बने रहे, तब तक हम कुछ शॉट लेते जाते हैं व्यू का, जो व्यू आप लोग एंजॉय करते रहेगा। मिलते हैं आप लोग से आगे ब्लॉग में। मेरे को भी जैम चाहिए, मेरे को यहाँ सबसे पहले ऋषभ को मिल गया। ठीक है, ऋषभ के बाद मेरे को रख दो, खाने पे ले जाएगा, तीन का ले लीजिए। तो हम लोग ब्रेड जैम खाते हैं, नहीं अभी खाते हुए नहीं, नॉम 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 अभी खाएंगे। नॉम ये मनु जी लगा रहे हैं ब्रेड जैम, ये खाने के लिए 10 रुपए का तो सही में वही कर सकते हैं। लीजो ब्रेड जैम रेडी, अभी ब्रेड जैम है का लिया। कैसा लग रहा है? भूख में तो सब अच्छा ही लग रहा है, बहुत टेस्टी। और गाइस जा रहे हम लोग, बात है कि मनु इतने प्यार से ब्रेड में जैम लगा के, नहीं सही बहुत अच्छा है, इसीलिए और टेस्टी लग रहा है, प्यार से स्वाद बढ़ गया ना। और ये मजाक था। हाँ। देख लो कितने अच्छे से व्यू चल रहे हैं, सारा व्यूज के नाम पे भैंस दिख गया बे। अरे आसपास भैंस गाय चढ़ते हुए दिखा दीजिए थोड़ा। क्या मन करता है कि पटना वापस चल जाए। अच्छा हम लोग यहाँ कैंपिंग करते हैं, यहाँ पे सबको देने के बाद खुद का तैयारी कर रहा है। यहाँ पर बहुत शांत है जगह, एक दिन हो गया तो एक गाड़ी लेकर रात हो जाएगा, तो इसमें देखते हैं रात हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा पूरा। मस्त सीन है सही में, क्या मस्त, एकदम धीरे-धीरे यहां जैसा ककोलत जलप्रपात बंद है। अरे इतना दूर आने का यही फायदा, आगे लिखा हुआ है ककोलत जलप्रपात बंद है, लेकिन हम लोग देखते पता करके बात कीजिए ना आगे में। नहीं तो दोस्तों ककोलत जाने का प्रोग्राम हो गया है कैंसिल, क्योंकि गाड़ी नहीं जाएगा अंदर में, और उसके बाद हम लोग को 4-5 किलोमीटर चलना पड़ेगा पैदल, इसलिए हम पूरा कैंसिल कर दिए हम लोग प्रोग्राम। तो हम लोग ककोलत नहीं जा रहे, इसलिए थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया ऑफ। किसका? मेरा। मेरा तो खुश है। तेरा छोड़ो ना, मेरा मूड खराब हो गया। मेरा भी। इनका ही मूड खराब हो गया, तेरा खुश है ना? मेरा तो मूड नहीं है। कितना एक्साइटेड थे जाने के लिए, मेन बात है हम असलियत जानते हैं इसलिए हम एक्साइटेड नहीं थे,
लेकिन सबकी खुशी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा बा, बोले तुम कुर्बानी दे रही थी, देखो तो इधर हाँ। देखो बोलो बा हाँ? नहीं लेकिन सही में चलना चाहिए था, गाड़ी रोक दिया यार, गलत कर दिया। तो फिलहाल हम रोड पे उतरे गए हैं क्योंकि पीछे व्यू बहुत अच्छा लग रहा है देखने के लिए, मेरे पीछे देख लो कितना अच्छा पहाड़ी वाला व्यू लग रहा है। तो कुछ यहाँ पे शिन वगैरह लेते हैं, थोड़ा देर यहीं बिताएंगे टाइम हम लोग, उसके बाद सोचेंगे कि कहीं कहाँ और जाना है, फिर आपको दिखाते हैं। देख लो पीछे चल रहा है, यहीं पर जाएंगे बैठते हैं हम भी, साथ में इंजॉय करते हैं और आप लोग दिखाते हैं सब कुछ। तो दोस्तों हम लोग कोकोकोला का तो प्रोग्राम नहीं हुआ, लेकिन हम लोग रोड साइड मतलब ये अपना पिकनिक टाइप का मनाने के लिए बैठ गए हैं, तो यहाँ गाड़ी वाड़ी नहीं आ रहा था, आराम से यहाँ बैठ कर हम लोग पिकनिक मना रहे हैं। तो यहीं अपनी कुछ खाना बनाएंगे और हम लोग खाएंगे सब कुछ। वैसे ही क्या खा रहा है, क्या खा रहा है जी? चूड़ा भुंजा। ओ देख लो इधर सब लोग, क्या जी क्या बना रही हो? बना नहीं रहे, सिर्फ देख रही हो? बना रही है ब्लॉग बना रही है। अच्छा वो अपना ब्लॉग बना रही है। कुत्ता भी आ रहा है खाने के लिए। ए आ जाओ जी कुत्ते। भाग रहा है देख के यार। क्या ईशा बहुत ज्यादा थक गए हो गाड़ी चलाते चलाते? हाँ सही लड़का, कल से चला रहा है लगातार गाड़ी 12.5 घंटा से। धूप आ रहा है इधर इधर घूम के बैठ जाओ भाई। बहन है ना ये दोनों पटा के रखा है नहीं इस लड़का सही बहुत मेहनती है, हर चीज में बड़बड़ करता है। ईशा भी है कि कोई ऐसा नहीं फील करेगी, मतलब खुल कर रहा है, जैसे होता था शर्म आता है। सुशांत वैसा ही है, सुशांत उससे भी बेहतर है। सुशांत तो भाई मानता है सबको, बुराई कर रहे थे ना। तो ये रेडी हो गया है अंडा भुर्जी, अंडा आप लोग खा लीजिए, खाना मैगी काटा ले लो। तो सब लोग अपना अपना रेडी खाने के लिए। नहीं लग रहा है सबसे ज़्यादा सड़ रहा है। ककोलत की सुनसान सड़कों पे अकेले जाते हुए हम व्लॉगिंग करते हुए कोई टॉपिक भी ना मिले हुए चले जा रहे हैं, और मेरे पीछे में छोटा सा दो घर। चलो जाके देखते हैं आखिर अंदर क्या है, क्या है उस घर में, पता करते हैं कुछ एडवेंचर सा अलग सा, कहीं कुछ डेंजरस तो नहीं है। चलो देखो मेरे पीछे घर क्या हो सकता है, ये अलग सा घर में कहीं कुछ भूत वूत तो नहीं, कहीं कुछ डेंजरस चीज़ तो नहीं। आइए जानते हैं अपने इसी एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में नहीं। और क्या है यहाँ? कुछ नहीं है यार, ऐसी कबाड़ी जैसा बनाया हुआ है। देख लो एक और सुनसान सा घर, आप पीछे इतना अच्छा सा व्यू। ए रात में यहाँ पे सीन लिया ना तो आदमी का तो फट जाएगा, अकेले में भूत आ जैसा फील आएगा। चलो कुछ शॉट्स लेते हैं यहाँ पे। तो वर्षा कैसा लग रहा है सुनसान जगह में तुमको? लग रहा है हम तो यहीं से बस गए। सही में जगह तो बहुत बढ़िया है, देखो ना ढलता सूरज। नहीं ढल रहा है, नहीं ढल रहा है, कहाँ ढल रहा है, नहीं ढल रहा है सूरज। हाँ सूरज तो पारा चढ़ाया हुआ है अपना, क्या इतना अच्छा लोकेशन पे आए, कम से कम सूरज को तो थोड़ा शांत होना चाहिए। ए सूर्य देवता थोड़ा सा धूप कम कर दीजिए। सही में ना लोकेशन बहुत सही है ना। देखो इन लोग का फोटोशूट चल रहा है, ये दोनों लड़कियां अपनी पोज देते हुए। हो गया जी, आइए मनु जी यहाँ पे एक बार पोज,
ये मौसम अच्छा कर दिया ना। क्या है सुशांत, बड़ा शांत दिख रहा है जी। हाँ मनमोहक व्यू है, इतना सन्नाटा क्यों है, देखो ना ढलता सूरज धीरे 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 ढल रहा है। बाकी सब ठीक, चाय बनाते हो? सब चल रहा है। बाकी सब ठीक? सब ठीक ठीक, बस चल, सब बिस्किट के साथ चल रहा है, बस चल रहा है। व्हाट अबाउट यू? यू बस चल रहा है। पहले बोल तो देते, कट कर देते। सही में लग रहा है, बहुत जंगल नहीं हम गाय का शो ले रहे हैं। गाय अपना काम में लगा हुआ है। दोनों हाथ खोल के सही में बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। अरे क्या शानदार हवा चलने लगा है। अबे क्या मस्त हवा है। ना खाली करके, ना खाली, ना खाली, ना खाली करके। आजकल के ब्लॉगर देखते हैं पब्लिक को फोटो लेने, फोटो नहीं लेने देते ब्लॉगर। हम लोग खोद लेंगे, अपने से लेंगे। ऐसे ऐसे ऋषभ 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 ऋषभ। तो दोस्तों हम लोग का खुलत तो नहीं जा पाए, उसका अफसोस तो हो गया, लेकिन हम लोग ने यहाँ बहुत सारा इन्जॉयमेंट किया, बहुत सारा मस्ती किया। तो अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह। तो इस ब्लॉग को फिलहाल के लिए भी यहाँ रखते हैं, और आप लोग से मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो तब तक लिए बाय बाय, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में। बाय बाय।